हेलो दोस्तों भाई, नींद किसे प्यारी नहीं होती? सबको होती है ना, इंसानों को भी, जानवरों को भी, पशु पक्षियों को भी, सभी को नींद प्यारी होती है। पर क्या आप जानते हैं कि हम खाने और पानी के बजाय नींद की कमी से जल्दी मर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, जो लोग रोज 7 घंटे से कम सोते हैं उनकी समय से पहले नींद होने की संभावना 12% तक बढ़ जाती है। नींद के बारे में ऐसी अन्य जानकारी के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि भोजन और पानी की कमी की तुलना में नींद की कमी से ज्यादा लोगों की मौत होती है, क्योंकि मनुष्य बिना खाए पिए तो रह सकता है पर बिना नींद के नहीं रह सकता। एक रिसर्च के अनुसार मनुष्य बिना खाए 2 महीने तक जिंदा रह सकता है और बिना पानी पिए वह 30 दिनों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना नींद के या बिना सोए हुए वह मात्र 11 दिनों तक ही जीवित रह सकता है। दोस्तों यदि आप हर रात को 7 घंटे से कम की नींद लेते हैं तो आप गुस्सैले हो सकते हैं, चिड़चिड़े हो सकते हैं, उदास और तनावपूर्ण जीवन जीने के लिए आदी हो सकते हैं। एक रिसर्च के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा सोती हैं। एक नवजात शिशु मतलब नया जन्मा हुआ बच्चा 24 घंटे में से 14 से 17 घंटे सिर्फ सोने में ही बिताते हैं, क्योंकि शिशुओं का दिमाग पूरी ग्लूकोज का 50% यूज कर लेता है जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा नींद ही आती है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, सोते समय आप कभी भी छींक या खांस नहीं सकते। अगर आपने कभी किसी को सोते हुए छींकते या खांसते हुए देखा है तो इसका मतलब यह है कि खांसी पूरी करने के लिए उनकी नींद टूट चुकी है। पता है दोस्तों, एक हैरान कर देने वाला फैक्ट यह भी है कि सुबह के 3 से 4 बजे के मध्य इंसान का शरीर सबसे ज्यादा कमजोर होता है और इसी कारण सबसे ज्यादा मौत इसी समय पर होती है। आप जानते हैं दुनिया के 5% लोगों को नींद में बोलने की बीमारी होती है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के अनुसार दुनिया के करीब 15% से ज्यादा लोग नींद में चलते हैं। स्लीप एपनिया नामक बीमारी में रोगी की सोते समय सांस रुक जाती है और वह झटके से उठकर बैठ जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है कि इसमें नींद में सांस रुकने की समस्या कुछ सेकंड से लेकर के कुछ मिनट तक हो सकती है। जिस प्रकार नींद में खर्राटे लेने वाले व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि वह खर्राटे ले रहा था, उसी प्रकार से स्लीप एपनिया में भी रोगी को यह पता ही नहीं होता कि उसकी सांस रुक गई थी। इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा दोस्तों, बिस्तर में जाकर नींद आने तक में आपको 10 से 15 मिनट तक का समय लगना चाहिए। यदि आपको 5 मिनट से कम का समय लगता है तो आपको नींद की बहुत ज्यादा कमी है भाई, पर्याप्त नींद जरूर लीजिए। अगर आप पेट के बल सोते हैं तो यह आपके पाचन के लिए बहुत ही अच्छा है और बाईं ओर करवट लेकर सोने से सीने में होने वाली जलन भी कम हो सकती है। तो पर्याप्त नींद नहीं लेते ना, उनके शरीर पर भूख विनिमय हार्मोन मतलब लेप्टिन हार्मोन का स्तर गिर जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को भूख ज्यादा लगने लगती है और उनकी भूख बढ़ती जाती है। दोस्तों क्या आप पैरासोमानिया नामक एक अवस्था को जानते हैं? नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। पैरासोमानिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें लोग नींद में इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, जैसे नींद में चलना, नींद में ड्राइविंग करते हैं और कई बार तो वे इस अवस्था में हत्या जैसे अपराध भी कर जाते हैं। दोस्तों ये होती है पैरासोमानिया की अवस्था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको नींद से जुड़ी हुई ये जानकारियाँ? अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी हैं और इसी तरीके की और भी जानकारियाँ आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।